बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। काशीपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डीप फेक वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस डीप फेक वीडियो को वायरल करने वाले युवक आयुष रावत की स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर स्थानीय बहुजन समाज पार्टी और भाजपाइयों ने कोतवाली पहुंचकर काशीपुर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी का कहना ये है कि अगर कोई भी एससी एसटी ओबीसी या मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक का व्यक्ति किसी पर किसी तरह की अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो पुलिस में तुरंत कार्रवाई हो जाती है और उसको जो है गिरफ्तार करके और जेल भेज देते हैं और कई कई घंटे उसको बैठालते हैं, प्रताड़ित करते हैं। सरकार भारतीय संविधान के अनुसार कानून का काम नहीं कर रही है। एक मिलीभगत होके ये बीजेपी और कांग्रेस जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इन लोगों के मतलब खिलाफ ही काम किया है। अब जो है एक लड़का रावत है, उसने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी की है, एफआईआर भी हो गई है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती ना उसको जेल भेजती, ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक डीप फेक वीडियो बनाया जो कि सरासर गलत था। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी जो कि एक नियम के अनुसार है। उसके बावजूद वो व्यक्ति वहाँ नहीं रुका, वो आज काशीपुर शहर को बांटने का प्रयास कर रहा है, जातियों में, धर्म में, पहाड़ में, मैदान पे। उसके खिलाफ उस विरोध में आज हम पुलिस के पास आए थे कि पुलिस अपनी उससे सख्त कार्रवाई करे। अगर काउंसलिंग उसके लिए काफ़ी नहीं है तो उसमें अगर कानून ये कहता है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तो गिरफ्तारी भी करी जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।